दो युवक आए थे, उन्होंने यहाँ पर पेट्रोल भरवाया, वो गाड़ी को धक्का देके लेके आए थे। उन्होंने 1 लीटर तेल डलवाया और फिर उन्होंने डिमांड की कि 1 लीटर इसमें वापस खाली करके दिखाओ। कुछ तेल तो कार्बोरेटर में चल जाता है, कुछ पूरा 1 लीटर तेल निकल नहीं सकता उसमें। मैंने उनसे कहा कि मेजरमेंट कर लो, ठीक है, मैं ऑटोमेशन पे दिखा देता हूँ कि आपको पूरा तेल मिला है, ठीक है। वो किसी कुछ भी चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर उन्होंने मेरे को धमकियाँ दी कि मैं अभी मीडिया बुला रहा हूँ। बहुत काफ़ी देर तक यहाँ हंगामा हुआ। फिर उन्होंने धीरे से आए, बोले उन्होंने बोला कि वो हम MTTV के वह हैं, रिपोर्टर्स हैं, और उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये की मांग करी। मैंने कहा मुझे गलत साबित कर, ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जो अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर वो समझ गए यहाँ पर कुछ होगा नहीं। फिर उन्होंने मीडिया बुलाई और सब कुछ, मैंने लाख बोला कि मेजरमेंट चेक कर लो, मैंने सेल्स ऑफिसर सर का नंबर दे दिया उनको, वेट्स एंड मेजरमेंट का नंबर दे दिया, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, मैं शिकायत मैंने दी है अलवर गेट थाने में, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि उचित से उचित कार्रवाई करें। नरेश यादव, मेरा नाम सुखदेव भट्ट है। मैं हमेशा की तरह पेट्रोल भरवाता हूँ नॉन नंबर पेट्रोल से। शुक्रवार के दिन जब हम पेट्रोल भरवाने गए थे तो मुझे बिना बताए 74 रुपये का पेट्रोल के पैसे मुझे 78 रुपये ले लिए। फिर मैंने अंदर जाके केबिन से मेरा बिल लिया। मैंने बिल लेने के बाद में मुझे वो आगे पीछे हुए तो मेरे को शक हुआ। शक के दायरे में मैंने उनसे 1 लीटर का नाप मांग लिया। तो पहले तो आगे पीछे हुए कि भाई 1 लीटर का नाप नहीं है, बाकायदा उसमें रिकॉर्डिंग भी हुई हुई है, उनके पास कैमरा होगा तो वो दाया बाया हुए होंगे तो उसकी वीडियो भी बनी हुई है। उसके बाद में उन्होंने जैसे तैसे 1 लीटर का तेल का जो नाप है वो मुझे दे दिया। बाहर आके मैंने पब्लिक जो इकट्ठी थी उनके सामने पूरा पेट्रोल मैंने निकलवा लिया, तो मेरे गाड़ी के अंदर 0.5 लीटर तेल निकला। जबकि ऑलरेडी मैं गाड़ी चला के लेके आया हूँ, उनके अगर ATM के या आसपास के कैमरे अगर ऑन करते हैं है उसके, तो वो फोटेज चेक कर सकते हैं कि उसमें मैं गाड़ी चला के लेके आया हूँ या धक्का लगा के आया हूँ। उसके बाद में उन्होंने ज़्यादती की है कि आप कौन होते हो, फलाना डिगरा, मेरे को दो बातें सुना दी। मेरे साथ में विष्णु मौर्य जी मेरे साथ में थे, इन्होंने बोला कि भाई पेट्रोल आप निकालो, हमारा निकालने का काम नहीं है। तो बोला नहीं नहीं आप निकालो, आपका काम है। तो विष्णु मौर्य ने जब तेल निकाला उसमें से, तो पब्लिक के सामने कम से कम 25 से 30 पब्लिक थी, आम पब्लिक के सामने मैंने पेट्रोल निकलवाया था, उसमें मात्र 0.5 लीटर तेल निकला। जबकि ऑलरेडी 1 पावा करीबन मेरी गाड़ी में पेट्रोल था, यानी कि 15 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलने वाली सिर्फ 1 बूंद भी नहीं थी उसके अंदर। उसके बावजूद भी वो 0.5 लीटर से थोड़ा सा गैस ऊपर आया 1 लीटर का। उसके बाद मैंने अपनी जो मानवता है, मेरा अधिकार है, उसके नाप पे मैंने देखा तो उसका नाप पूरा नहीं था। मैंने इन्फॉर्मेशन मीडिया को कर दिया, टोटल मीडिया आ गई। टोटल मीडिया आने के बाद में मैंने बाइट दी है, मेरे जो भी मेरे साथ घटना हुई उसको बताया बारी बारी मैंने कहा। और दूसरा, मीडिया के हमारे जाने के बाद, पब्लिक के जाने के बाद, एक मीडिया वालों को, निजी मीडिया जो अपना है यहाँ का अजमेर का ही, उनको बुला के उन्होंने बाइट दी है कि हमसे 50,000 की डिमांड की है। या तो प्रूफ करे कि 50,000 रुपये की डिमांड किए थे, कैसे किए, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह दिखावे, उसके फोटोज दिखावे कि भाई ये देखो आपकी रिकॉर्डिंग हुई है कि 50,000 की डिमांड की है हमने। और एक वो दूसरा प्रूफ ये देवे कि मैं मेरी गाड़ी को धक्का लगा के लेके आया हूँ, दो प्रूफ देवे। और झूठा आरोप ये भी लगा रहे कि हमने अपने आप को मीडिया बताया कि हम MTTV इंडिया से, ये झूठा आरोप और लगा रहे हैं। प्रूफ करके बतावे कि हमने MTTV इंडिया बताया क्या? हमने तो अपने अधिकारों के कारण हमने तो जांच करी, क्योंकि हम हमेशा उनसे पेट्रोल भरवाते रहते हैं और हमेशा मेरी गाड़ी कम एवरेज देती है, इसलिए हमने उस दिन चेक करा, 1 लीटर पेट्रोल डलवाया हमने, तो वो पेट्रोल आधा 0.5 लीटर पाया गया पेट्रोल, और हमने पेट्रोल एकांत में नहीं निकाला, जबकि आसपास इतनी पब्लिक थी ना, उनको इकट्ठा करके हमने पेट्रोल निकाला है। और हमने उन पब्लिक की बाइट भी लिया हमारे फोन के अंदर कि क्या हुआ उस जगह, तो उन्होंने पब्लिक में से 2-4 जनों ने हमें बाइट में ये कहा है कि भाई कि हमारे सामने इन्होंने 1 लीटर पेट्रोल भरा है जिसमें से आधा 0.5 लीटर पेट्रोल ही आया गया इसके अंदर, बल्कि जो उसमें जो डलवाया था ना पेट्रोल हमने, हमारा जो पहले से मौजूद था पेट्रोल जिससे गाड़ी चला के लाए, वो भी गाड़ी को उल्टी करके उसको भी खाली कर दिया, तो भी 1 लीटर पेट्रोल पूरा नहीं हुआ है।
आज ये झूठा आरोप लगाते हैं कि हमसे 50,000 की मांग की है और खुद को MTTV इंडिया वाले बता के हमारे को ऐसे धोखे से साजिश कर रहे हैं हमारे साथ में, तो इनका ये आरोप गलत है हमारे ऊपर। अगर अगर इनका ऐसा कहना तो इसे वो खुद करके बतावे।